खबर सिरौन से। सारे नियमों को ताक में रखकर दुकानें खोल रहे दुकानदार। शहर में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने की घोषणा है, बावजूद बाजार में ग्राहकों की भीड़ भाड़ उमड़ रही। व्यापारी प्रशासन की टीम की आंख मिचौली जैसा खेल चल रहा। सुबह से व्यापारी दुकान खोलते हैं, बाजार खुलने की जानकारी लगते प्रशासनिक अफसर पहुंचते हैं, ग्राहकों को दुकान में बंद करके शटर में ताला डाल रहे हैं। शहर के छोटे बाजारों में दुकानों की छोटी शटर सुबह से ही उठाना शुरू हो जाता है। आवश्यक सामानों की बिक्री होम डिलीवरी के माध्यम से की जानी है। इसके बाद भी बाजार में सभी प्रकार की दुकान छुप छुप कर खोली जा रही है। जब प्रशासन गश्त करती है तो व्यापारियों ने ग्राहकों को अंदर करके शटर बंद कर दी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए नायब तहसीलदार सुमन बाथम पूरी तरह से सख्त नजर आई। लोगों से रोक टोक अभियान के तहत समझाइश दी जा रही, लोगों से कोरोना जागरूक करने के लिए अपील भी करती हैं। लोग बगैर मास्क के घूमते नजर आते हैं, उन पर चलानी कार्रवाई भी की जा रही। कुछ दुकानें जो प्रशासन द्वारा सील की गई थी उनकी सील तोड़कर दुकानें भी खोल दी गई, मगर आज नायब तहसीलदार द्वारा उनको दोबारा सील कर दी और दुकानदारों को सामंजस्य दी कि अगर दोबारा ऐसी गलती मिलती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। संयुक्त टीम में पटवारी राजकुमार अहिरवार, ऋषि चित्र, सुधीर जैन, सुवेदार नरेंद्र कुमार त्रिपाठी, पुलिस अरुण भारती, मोनू शर्मा, धर्मेंद्र नामदेव, नितिन ने शाह के 18 चालान काटे गए, 2 पुरानी दुकानें सील की गई, सील निकल गई थी, 2 चालान 500 रुपए के काटे गए। हेलो, 200 रुपए लेके काटते हैं इनके चालान। कहाँ से आ रहे हैं? 200 रुपए का ये सामान सभी दुकानदार बेच रहा है माल, मेरी दुकान मतलब दूसरे दुकान मैडम माल मिल गया तो मिले ना कितना और जो लोग पकड़ा रहे हैं, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, तो होगी नहीं चलानी कार्रवाई। नहीं, प्रशासन की तरफ से तो पूरी सख्ती की जा रही है और पूरा प्रयास है रोकथाम को अभियान के तहत भी ज़्यादा से ज़्यादा जनता जागरूक हो, मास्क का उपयोग करे, सामाजिक दूरी बनाए और बेवजह मार्केट में ना निकले, तब तक जरूरत ना हो। तो कितने उससे चालान काटा जा रहा है? दुकानदार है जो सील करी जा रही है, उसकी क्या चालान कार्रवाई की जा रही है? जो बेवजह घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगाए, उन लोगों को 200 रुपये का चालान की कार्रवाई की जा रही है। दुकानें वगैरह जो खुली मिल रही है उन पर 500 रुपये से 1000 रुपये की चालान की कार्रवाई की जा रही है। जब मैडम दुकानें सील की गई हैं, उन्हें दोबारा किसी लोग खोलना है फिर दुकानदारी कर रहे हैं उसमें? नहीं, आज मेरे संज्ञान में 2 मामलों में आया है जिसमें गाय ने सील खा ली थी, उसको दोबारा हम लोगों के द्वारा सील कर दिया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से कोरोना के लिए कोई अपील करना चाहिए? बहुत बड़ी अपील करना चाहती हूँ मैं लोगों से, जो आज स्थिति देख रही है कि लोग बेवजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं मुझे रोड पर, मेरा उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब तक बहुत आवश्यक काम ना हो वो लोग मार्केट में ना निकलें, अवॉइड करें आना। जनता कर्फ्यू का पालन भी होगा और अच्छे नागरिक के कर्तव्य भी पूरे होंगे। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।